नमस्ते दोस्तों, एग्जोटिक पर सेवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो जैसा कि आप सबको पता है, ब्रीडिंग सीजन इन हो गया और जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया, तो बारिश वगैरह लगभग होना शुरू हो गई, तो टेम्परेचर में भी कुछ फ्लक्चुएशन आ गया। तो हमें कुछ चेंजेस करने थे अपने सॉफ्ट फूड वगैरह में, और मेरा सॉफ्ट फूड वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो मैं भी हाल ही में जो है सॉफ्ट फूड अपना बना रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना जो है आपके साथ भी वीडियो शेयर किया जाए। तो अभी मैंने लगभग 3 kg के आसपास गेहूँ ले लिया है, और ये आधा किलो लोबिया ले लिया है, ये आधा किलो जो है सोयाबीन की बियाँ लिया है, और मैं जो है आधा किलो ही खड़ी मूंग ले लिया हूँ, और साथ में जो है 1 किलो चना मैं ले लिया हूँ। और बाकी जो इसके पहले मैंने अपने बड़े बर्ड्स के लिए बना रखे थे सीड मिक्स एक तरीके का, उसे लिया हूँ। मैंने ये देसी चना यूज़ करता हूँ, छोटे वाले जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप सीड्स की सफाई देख सकते हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे सीड्स हैं। और ये अगर आपको नहीं पता किसे क्या कहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप अपने जहाँ भी आपकी पंसारी की शॉप होगी, जिस स्टेट में आप रहते हैं, जहाँ पे सारे मसाले वगैरह मिलते होंगे, वहाँ ले जाके दिखाएंगे तो आपको ये इजीली सब कुछ मिल जाएगा। तो इन्हीं सबको मैं मिक्स करके जो है अपना सॉफ्ट फूड बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसी को ही जो है मेरे पास यहाँ पर कॉकटेल हैं, कुछ बजीज हैं और लबर्ड हैं, तो इन सबको ही वो सब खा लेंगे। और बाकी जो बड़े दाने हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो वेस्ट ही होते हैं ज़्यादातर। और ये गंदम है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल, इसको भी मैंने साफ़ ही करके जो है धुलवा उलवा के रख लिया था। तो बाकी चलिए इन सबको जो है मिक्स करता हूँ मैं, और मिक्स करके आपको जो है दिखाता हूँ कि बारी बारी सबको मिक्स करने के बाद इसकी क्वान्टिटी बनकर क्या आती है। तो मेरा प्लान है फ्रेंड्स, गेहूँ को अलग रखने का और बाकी सबको अलग रखने का, क्योंकि उसी रेशियो के हिसाब से मैं जो है फिर अपना सॉफ्ट फूड भिगो दूँगा, ताकि गंदम थोड़ा सा ज़्यादा रहे, क्योंकि बच्चे वगैरह निकल आते हैं तो बड़े दाना फ्रेंड्स खाते हैं, कुछ बर्ड्स खाते हैं, कुछ बर्ड्स नहीं खाते हैं। तो इन सब के लिए अगर चीज़ें अलग से भिगोऊंगा तो मुझे पता होगा कि कौन सा बर्ड क्या शौक से खाता है, तो उसको उस हिसाब से प्रोवाइड कर दूँगा, तो बच्चे वगैरह की फीडिंग भी अच्छी कराएगा। यही सब के लिए मैंने डिसाइड किया कि चीज़ों को अलग अलग रखने का, और अलग अलग करके इनको मैं जो है भिगोने वाला हूँ। तो ये जो खड़े चीज़ें हैं इन सबको एक रखूँगा, और गंदम को मैं सेपरेट रखूँगा। तो चलिए सबको मिलाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा पूरा तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने बड़े दाने को बिल्कुल मिला दिया है, और सारे दाने को मिलाने के बाद कुछ ये स्ट्रक्चर निकल के आया है अपने सॉफ्ट फूड का। इसमें आप देख सकते हो सारा कुछ बारीकी से दिख रहा है, और आप भी इसी तरीके का एक जो है पूरा मिक्स तैयार कर लीजिए, और इसी को अपने जो है बर्ड्स को आप दीजिए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कोई चीज़ें जो है ठंडी तासीर की हो, जिससे आपके बर्ड्स को मोशन वगैरह लग जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने मटकियाँ और बॉक्सेस वगैरह लगा दिए हैं, और अभी भी अगर आप सॉफ्ट फूड वगैरह नहीं देंगे, तो बर्ड्स को ये रियलाइज़ नहीं होगा कि जो है हम अपने बच्चों को इस टाइम ब्रीड करके निकाल सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकते हैं, क्योंकि ये जानवर हैं, इनकी मेंटेलिटी ऐसे होती है। इसीलिए आप भी सॉफ्ट फूड वगैरह देना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके पेयर वगैरह भी ब्रीड पे जल्दी। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट फूड वगैरह देने से आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपके पेयर्स वगैरह, कुछ पेयर्स जल्दी ब्रीड पर आ जाएंगे और वो लेइंग वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते किसी नए वीडियो नेट